सब लोग सेफ दिवाली खेल खेलिए नहीं, सेफ दिवाली सेलिब्रेट होली खेलना होता है। सॉरी सॉरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक्सी मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया। तू क्या कर रहे हैं? अरे कौन सा गाना गा रहे थे? मैं हूँ क्या मेरे लिए, तो गाना नहीं, तू है क्या मेरे लिए। हाँ, बहुत प्यारा गाना है। उसका अपने को चेंज कर दिया हमने, मैं हूँ क्या मेरे लिए। हाँ जी, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू। अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी किचन में आ गई हूँ। मेरा नहाना वगैरह कुछ नहीं हुआ है। सुबह की जो लास्ट क्लीनिंग होती है ना, क्लीनिंग तो पूरे घर की हो चुकी है, बट क्या होता है कि अगर रोड पे घर रहे तो सबके घर रोड पे होते हैं, मतलब अगर एकदम सामने सामने घर रहे हैं ना, तो डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। तो कल ही पूरे सब कुछ लास्ट क्लीनिंग हुई है। मेरा बर्थडे था, 7 बजे तक हम लोगों ने क्लीनिंग की। अपने बर्थडे के दिन मैंने इवनिंग में नहाई, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। लेकिन क्या करेंगे, जब त्योहारों के समय ऐसा होता है ना, तो सबको मिलकर करना ही पड़ता है। वैसे तो स्वीटू ने बहुत ज्यादा किया है, मैंने उनके बराबर कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हेल्प कर ली जो छोटी छोटी मैं कर सकती थी। तो मेन जो मतलब दिवाली की क्लीनिंग करी, वो कह सकते हैं इसका सारा क्रेडिट मेरे स्वीटू को ही जाता है ना। स्वीटू हाँ जी, तो मैं क्या बता रही थी। हाँ, तो फिर बस अब लास्ट के जो दरवाजे खिड़कियों में थोड़ी सी डस्ट आ गई थी ना सुबह सुबह, तो उसको पोछ के क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद नहा के स्वीटू पूजा करेंगे, बट उसके पहले आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सब। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई चने की चटपटी, बहुत थोड़े से निकाले हैं। देव को हल्का सा फीवर है, उसका मन नहीं ज्यादा खाने का, तो इतने से खाएगा बोल रहा है। ये मेरी प्लेट, ये इनकी प्लेट। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़े प्याज। देव ने बोला है प्याज भी बहुत थोड़े से डालना। और ये थोड़े से चने बच गए हैं, ये देखिए इतने चने बच गए। तो मैं सोच रही इसको, तो धनतेरस के दिन भी काफी काम होता है, मार्केट भी जाना है, तो मैं सोच रही इतने चने बच गए ना, तो उसकी ग्रेवी बना लूंगी। ग्रेवी बना के चने मिक्स कर दूंगी, ग्रेवी वाले चने की सब्जी हो जाएगी, और रोटी या चावल जो भी देखेंगे चने के साथ। तो वैसे चावल अच्छे से खा लेते हैं हमारे सब लोग। छोटू चना चावल खा लोगे क्या? हाँ। मतलब काले चने और चावल हमारे सब लोग बहुत प्यार से खा रहे, सबको पसंद है। अरे मैंने गोल मटोल का चेहरा देखी है, उसको फीवर आ गया है। सबको हैप्पी धनतेरस बोल दे। हैप्पी धनतेरस। और ये पीछे बेड अभी बनाना बाकी है, वो आप देख सकते हैं बेडरूम की हालत। और यहाँ पे अब छोटू पहुंच चुके हैं उस तरफ, और यहाँ पे चल रही है मशीन। ये देखिए, ये इसको ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि इसे पानी आ रहा है, तो ये धुल रहे हैं हमारे कपड़े। तो नहीं जाएगी। गिर जाएगी। ये बहुत ऊपर बैठ जाओ प्लीज मम्मी। आज छोटी सी बनाई हूँ बेटा, अभी टाइम हो गया ना बहुत। हाँ जी, तो आज धनतेरस की इवनिंग हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी रंगोली नहीं बनाई, आज छोटी सी बनाई, आपने देख ही लिया है। और अपने केले के पौधे में, तुलसी माता में, दोनों में दिए प्रज्वलित कर दिए, बाकी जगह भी ज्योत रख दी है। तो आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा मेन डोर। यहाँ पे एक विंडो ये है लिविंग रूम में, और यहाँ से आपको अभी दिखाऊंगी मैं मेन डोर के उस साइड वाला पोर्शन। तो उसके तरफ भी बेडरूम की विंडो खुलती है, तो वहाँ पे भी रखी है। और भगवान जी के रूम की गली से जाके खुलती है, वहाँ पे भी दिए रख दिए हैं, और सामने में रेलिंग में दिए रख दिए हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास मतलब स्पेस था, हम दिए रख सकते थे, और ऑयल का निशान ना पड़े इसलिए पेपर रख के ज्योत रख दी हमने। मुझे आ गया है, और यहाँ दिए पापा भगवान जी के पास भी 13 दिए रख दिए हैं। एक तो मेन जो पीतल का रखते हैं रोज, वो रखा ही है सामने मिट्टी के कोरे, 13 दिए प्रज्वलित किए हैं। यहाँ पापा जी के पास, सामने नीचे माता रानी हैं उनके पास, और बाकी घर में जहाँ जहाँ पे एक मतलब किचन में हर रूम में एक एक दिया तो रोज़ रखना ही होता है। और घर की मतलब जो जो चौखट है वहाँ पर, चौखट इन द सेंस मतलब मेन डोर के दोनों तरफ में। और ये मेरा मनी प्लांट, और यहाँ से देखते हैं बाहर का आपको, चलो बाहर चल के दिखाते हैं। ये है बाहर की लाइटिंग कुछ इस तरीके से है, तो बहुत प्यारा लगता है देखने में। माला
ये जो क्रिस्पी से लग जाती है ना, यहाँ पे लग गई थी, यहाँ पे ऐसे ये मैंने निकाल ली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज नाश्ते में बना है उपमा, देव के उपमा में चीनी डाल दी है, हम तीनों की प्लेटें। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं और आप सभी को छोटी दिवाली की, रूप चौदस की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग सेफ दिवाली खेलिए, नहीं सेफ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, होली खेलना होता है, सॉरी सेफ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। मैं फटाकों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो सेफली यूज कीजिए, करिए, त्योहार है। किसी भी जीव, जैसे कि बहुत सारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, गाय है, गौ माता है, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाते हुए आपको जितने पटाखे फोड़ने आप फोड़िए। ऐसा हमारे डिपेंड करता है आप किस जगह रह रहे हैं, नियम कायदों का पालन करते हुए। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगाया है तो उसको ग्रीन क्रैकर्स वगैरह या जो भी फॉलो करना है आपको वहाँ के रूल रेगुलेशन, वो फॉलो करके उस हिसाब से। हम छत्तीसगढ़ में फिलहाल हमारे पर कोई नियम लागू नहीं होता, बस हम इतना ध्यान देंगे कि थोड़ा सा हमारे आसपास गौ माता बहुत सारी हैं तो हम ज्यादा नहीं फोड़ेंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे पास जो खाली स्पेस है ना, वो सामने पे एक खाली प्लॉट है, बट वहाँ पे पूरी गौ माता आके बैठ जाती है। अब इस समय जब दिवाली का समय है तो बहुत सारी गौ माता वहाँ आके बैठ जाती है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी जीव को। इनफेक्ट किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए, वो तो बस वो हम ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फटाका लवर, क्रैकर लवर्स हैं, क्रैकर लवर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी हमको, तो हमें पसंद है। डिपेंड, हम लोगों ने इस बार सोचा कि हम लोग फुलझड़ी या फिर तो थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी उसी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। और बाकी आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान रखते हुए जैसा चाहे वैसा करें। और आज मैंने दोबारा फिर से यहाँ पे ये अभी सूख रही है ये माला भगवान जी के मंदिर के जो जस्ट पीछे होती है, जो रेगुलर देखते हैं आपको पता ही होगा, और बाकी लोग भी प्लीज देखा कीजिए, रेगुलर बोलना ना पड़े, बाकी लोग भी देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। पुराने ब्लॉग्स और जो नए हैं थोड़ा पुराने ब्लॉग्स जाकर देखिए तो शायद आप लोग कनेक्ट कर पाए। क्या होता है ना कि किसी भी चैनल के एक ब्लॉग को देखकर आप उस चैनल को या उस मतलब इंसान को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो थोड़े जाकर पीछे के ब्लॉग्स भी देखिए तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा कनेक्ट करना। इतने बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं हम लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या पहना है। वैसे आपने अभी दो दिन पहले वाले ब्लॉग में, या फिर पता नहीं ये ब्लॉग कब जाएगा नहीं पता, बट मेरे बर्थडे में यही सूट पहना था, और आज फिर इसका कलर इतना प्यारा ना कि मन कर जाता है बार बार पहनने का। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों का ना एक खाली था, एक लगा हुआ था, और 1 month हो चुका है आई थिंक शायद, तो हम लोगों को डर था कि कहीं अगर दिवाली के दिन खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। और कल एजेंसी भी बंद होती है ना, कोशिश करते हैं, मतलब सभी आदमी रखते हैं कि एक स्पेयर में भरा पड़ा रहे खत्म होने से पहले, तो अच्छा है। बस इस बार ऐसा हुआ कि 1 महीना हो गया लेकिन बुक कराने का ध्यान ही नहीं था, खचर पचर में वो छूट ही गया था। खैर आ गया भगवान के आशीर्वाद से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ की एजेंसी अच्छी है, हमें 2 दिन में डिलीवरी देते हैं, मैक्सिमम 2 दिन। कभी भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो, सप्लाई में दिक्कत हो, तो बात अलग है, अदरवाइज 2 दिन में वो डिलीवरी दे देते हैं। और स्पेशली फेस्टिवल का ध्यान रखते हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है बीच में। और आपको पीछे दिख रहे हैं 2 कलर के पर्दे, तो वो वाले याद होंगे मैंने दिल्ली में लिए थे, और वो पीछे में सीटों में कपड़े चेंज किए थे, सीटों की और वो कैपरी वो भी उतारा है, चेंज किया है कपड़े। लेकिन एक खर्चा जरूर करना है, एक क्लॉथ स्टैंड बिग साइज का, बिग से भी बिग साइज का लेना है, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, छोटा बच्चा है। आ जा तू भी आ जा, सबको हैप्पी छोटी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी छोटी दिवाली दाइस दाइस दाइस, एवरीवन बोल दिया कर तू, तो एवरीवन बोल दिया कर तू, हैप्पी छोटी दिवाली एवरीवन। मैंने कॉम नहीं किया हूँ एवरीवन। मम्मी तो फिर चलते हैं मार्केट में, जो भी शूट करूंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। व्लॉग कंटिन्यू लास्ट तक देखा कीजिए, मेरे व्लॉग को भी ऐसे स्किप मत किया कीजिए। मेरा मनी प्लांट इतना वो है, I'm
इस मनी प्लांट के लिए मुझे सिरेमिक पॉट लेना है घर में रखने के लिए। ये लिविंग रूम है, वो किचन है, यहाँ से जाके उस तरफ वो वाला रूम है, इधर है बेडरूम। कभी होम टूर प्रॉपर दूंगी वो तब दूंगी जब इस लिविंग रूम के लिए कुछ ले आएंगे, क्योंकि अपना सोफा तो हम दिल्ली में छोड़ा है। ये लोग बातें कर रहे हैं, अपना सोफा तो हम दिल्ली में छोड़ा है, अभी फिलहाल यहाँ पे लिविंग रूम है कुछ भी नहीं, पूरा खाली। यहाँ पे टेबल रखी हुई थी, एक वुडन अलमीरा रखी हुई थी, वुडन अलमीरा को हम लोगों ने उस वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है, भगवान जी वाले रूम में, जहाँ मंदिर और हमारी कबर्ड रखी हुई है। और टेबल हम लोग बेडरूम में ले गए, क्योंकि अभी खाली है तो ठीक है, खाली रहने देते, वो ऐसा अधूरा अधूरा सा अच्छा भी नहीं लगता है। और कई बार जैसे मुझे कुछ ब्रेकफास्ट करना हो, कुछ करना हो तीनों को साथ में, तो फिर वहाँ नीचे बैठना पड़ता है, तो टेबल रहेगा तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलते हैं आप और बाहर देखते हैं कितनी धूप है। धूप तेज है ना, बहुत अच्छा है ना। हाँ, इधर कहीं करती तो है, इसको भी पूछ रही है, इन सब अभी तो झुटकू को छोड़ के आएंगे। तो इधर ही है, बच्चे ऊपर चिड़ी चढ़ने को लग नहीं जाएगा, बच्चे को लग नहीं जाएगा, वो टेंशन नहीं उसको, तो उल्टा उतर रहा है वो वजह से, येलो टी शर्ट पहना हुआ है, येलो टी शर्ट नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसी शर्ट नहीं है। हाय एवरीवन, हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर आ गए थे, हल्का फुल्का हमने मतलब बाहर से खाने के लिए आया था, छोटा थोड़ा बहुत चटर मटर सा। और मेन बात ये भी थी हमारी आने की, आप देख सकते हैं देव का चेहरा फिर थोड़ा सा उतर रहा है, इसको हल्के सी वाला हरारत बोल सकते हैं, खांसी तो खैर है ही, इसको खांसी तो है ही खैर इसको, आप देख सकते हैं चेहरा भी हल्का सा उतर गया है मेरे बच्चे का, कि ठीक है वो आराम करेगा घर में। और मैं और पम्मा जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा हम लोगों को अभी मतलब बहुत सारा सामान लेना बाकी है पूजा का, कल दिवाली है, तो आज ही कोशिश करेंगे हम जितना ज़्यादा सामान ले सके। अब फूल वगैरह बच सकते हैं, आम पत्ता, पान पत्ता, इस टाइप की चीज़ें बच सकती हैं, बाकी ओवरऑल कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक हम आज ही लेके ख़त्म कर सकें। और बाकी देव घर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई भी नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो मेन गेट खोल के चढ़ेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है नहीं, कि मतलब सबसे बड़ी बात मौली है, मौली जैसे ही गेट मतलब टक से बजता है, मौली कहीं पर भी हो, मौली किसी को कुछ नहीं बोलती, चुपचाप को गेट पे आके खड़े होकर देख लेती है एक बार के, बहुत स्वीट है वो, एक बार आके देख लेती है कि कौन आया है, अगर उसको फेस पहचान का है तो ठीक है। और मतलब कोई भी अगर इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं उनमें से कोई बंदा है वहाँ पे और वो उसको अंदर आने दे रहा है तो मौली कुछ नहीं बोलेगी, अदरवाइज मौली कुछ नहीं करेगी, चुपचाप के गेट पर खड़े हो जाएगी और मौली को देख के फिर गेट को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, तो मतलब हर तरीके से सेफ्टी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस देव घर में रहेगा, हम लोग जाते हैं फटाफट, जो सामान वाला लेना है वो लेके आते हैं। तो फिर अब आप आगे पैमलो, ये मेरी पैमलो इधर है, वो ऊपर आपको जो दिख रहा है वो थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, बेसिकली हमने सारे सामान वहीं रख दिए हैं, और आपको धुंधली दिख रही होगी वो बहुत ज़्यादा, वजह ये है क्योंकि उधर सामने के लाइट आ रही है। तो फिर अब आप लोग मार्केट में, अब आपको हम और ये दिखेंगे, मतलब हम दोनों दिखेंगे, तो
जितना भी वहाँ पे हो सकेगा, इतना रश है मार्केट में आज यार, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो अब चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं, थैला दिख रहा है पीछे टंगा हुआ, ये दरवाजे के पीछे देव ने अपना पेंसिल का थैला टांग दिया है, उसको मना किया फिर भी नहीं माना, वो मानता ही नहीं है। इसलिए आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है तो वो भी देख रहा था थोड़ा थोड़ा मैं, और हमारे हिंदुस्तान की शान विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दोनों खेल रहे हैं इस समय। और वैसे भी हर हिंदुस्तानी यही चाहेगा कि इंडिया ही जीते, 25 बॉल में 55 रन चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन आज नहीं टाइम दे पाऊंगा मैं इतना, क्योंकि तैयार है भाई साहब हमारे, चले भाई साहब। अरे बल्ला नहीं सॉरी पम्मा तैयार है, चले मैं उनको नहीं बता पहले आप अभी, तो मेरी बीवी है, मेरी मोटला है, मेरी पम्मा है, चलो चले। हाँ जी, तो मेरा धनतेरस और छोटी दीपावली की इवनिंग अब होने वाली। अब तक का ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। और आपको लक्ष्मी माता के दर्शन तो मैं करा ही चुकी हूँ, और इसके बाद हम लोगों ने छोटी दिवाली के इवनिंग में क्या क्या किया, क्या क्या शॉपिंग की, कैसा रहा सब कुछ देखने के लिए कल का व्लॉग भी जरूर देखिएगा। उसके लिए आज के व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।